नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले धौज गांव का ये सरकारी स्कूल तबेला बना हुआ था। स्कूल के कमरों में अनाज रखा हुआ था, भूसा रखा हुआ था, उपल रखे हुए थे और कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था। लेकिन आज स्कूल में फिर से बच्चे आ गए हैं। जो स्कूल तबेला बना हुआ था, आप लोग देखिए, ग्राउंड खाली है। यहाँ पर अब ना गाय दिख रही, ना भैंसे दिख रही है, पूरा ग्राउंड खाली है और कमरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर टीचर भी हैं। फिलहाल बच्चे आ गए हैं, टीचर आ गए हैं, लेकिन स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभी तक अभाव है। बिजली पानी का अभाव है, शौचालय में पानी नहीं है। इन सभी समस्याओं का सरकार को समाधान करना होगा। आपको बता दें, वकील एलन पराशर कुछ दिनों पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी सरकार तक गांव वालों की बात पहुंचाई थी, उसका असर हुआ है। स्कूल में बच्चे फिर से पढ़ाई कर रहे हैं, धौज गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। आज हमने धौज गांव के सरकारी स्कूल का सर्वे किया, हमने देखा बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आ रहे हैं। ये देखिए क्लासरूम, जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हमने पूरे स्कूल का सर्वे किया, लेकिन कुछ सुविधाओं का भी अभाव है। बिजली नहीं है, पंखे नहीं है, गर्मी में बच्चों को प्रॉब्लम होगी। सरकार को इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना होगा और मूलभूत सुविधाएं देनी होगी ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। ये कुछ कमरे खाली हैं और ग्राउंड भी खाली है। ग्राउंड थोड़ा नीचे है, इसकी भराई करवानी पड़ेगी वरना यहाँ पर पानी भरेगा। हमने स्कूल के टीचर से भी बात की। क्या नाम है आपका? नाम अमरजीत सर। यहाँ पर टीचर हैं आप? हाँ जी सर। पहले से आपकी अपॉइंटमेंट थी या अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है? तो असल में अपॉइंटमेंट पहले से हुई थी। हाँ। अपॉइंटमेंट तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि ये स्कूल बंद था, यहाँ पर अनाज रखा गया था, भूसा रखा गया था, उपल रखे गए थे। अच्छा, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने आवाज उठाई, वकील एलन पराशर ने आवाज उठाई और भी कई लोगों ने आवाज उठाई, जिसकी वजह से सरकार तक ये बात पहुंची और बच्चे फिर से इस स्कूल में दिख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और धौज गांव के बच्चों के लिए कैसा लग रहा है? बच्चे भी उससे खुश हैं, यहाँ पे आने के खुश हैं। यहाँ पर महोदय, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाओं की कमी है? सर यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, किसी अच्छा, नहीं है वहाँ। अच्छा, पे पानी की कमी। हाँ, मेन इसमें सही है। अच्छा, और बाहर जो कचरा है इसके ऊपर मिट्टी डल के लेवलिंग हो जाए तो बेटर रहेगा, बेटर रहेगा, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। और जो टॉयलेट की तरफ जाते हैं वहाँ पे रैंप की आवश्यकता है, पत्थर लगे होते बच्चों से डरा नहीं जाता, ऊपर नहीं जाया जाता। और यहाँ भी देखो कितना ऊंचाई पड़ता है बच्चे के लिए। अच्छा, और बिजली की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखे भी नहीं लगे हैं, गर्मी में दिक्कत होगी बच्चों, और बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, डेस्क वगैरह। डेस्क वगैरह तो वहाँ पे है सर, वहाँ से आ सकते। अच्छा, वहाँ से आएगी, फिलहाल अभी नहीं है। तो ये आप लोग देख रहे हैं धौज गांव का सरकारी स्कूल, पहले वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ पर उपल रखे गए थे, अनाज रखे गए थे, कब्जा हुआ था, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। बच्चों कैसा लग रहा है आपको? सबको अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए बच्चे किस तरह से खुश हैं यहाँ पर आकर। और यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं, सरकार को उसे दूर करने पर ध्यान देना होगा, बिजली पानी की समस्या पर ध्यान देना होगा। कुछ और समस्याएं हैं, आप लोग देखिए, प्रिंसिपल के रूम में चढ़ने के लिए पायदान नहीं है और ये रूम खाली पड़े हैं, पहले इस पर कब्जा था। शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, आप लोग देखिए, शौचालय तो है लेकिन फिटिंग नहीं हुई है, नल नहीं है, जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था नहीं है। इन सभी समस्याओं को दूर करना हो। और यहाँ पर ये खिड़की चोरी कर ली गई है, लोहे की खिड़की थी, इसको उखाड़ कर कुछ लोग ले गए हैं। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार को उस पर ध्यान देना होगा, स्थानीय प्रशासन और सरपंच को उस पर ध्यान देना होगा। हमने स्कूल के बारे में ग्रामीणों से भी बात की, देखिए क्या कहते हैं एक ग्रामीण। नाम है आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है। अच्छा, इस स्कूल में तबेला बना हुआ था लेकिन आज बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत खुशी की बात है और
आप मीडिया वालों के माध्यम से ये जो काम चला है इसके लिए पूरा गांव बहुत आभारी है आप लोगों का, मीडिया वालों का। और अभी क्या क्या कमी है स्कूल में? इसमें कमी जी, इसमें ये है थोड़ी मिट्टी की कमी है और इसमें ये जो इंटरलॉक जो फर्श। अच्छा, ये ऊपर करना पड़ेगा, भराई करनी पड़ेगी इंटरलॉक? नहीं, थोड़ा सा यही दब जाएगा, मतलब ये कूड़ा करकट जो पड़ा है पीछे। अच्छा, बिजली पानी की समस्या? हाँ, बिजली और पानी की भी समस्या है। अच्छा जी, और एक मतलब ये लैटरिन बाथरूम की। वकील साहब, धौज गांव में सरकारी स्कूल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, स्कूल में फिर से बच्चे पढ़ने लगे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो कार्य सरकार को करना चाहिए था वो मीडिया ने किया है, और खास तौर पे मैं मीडिया का आभारी हूँ, जो कि एक तबेला था वो आज उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ये काम सराहनीय काम है, और मीडिया भी चौथा स्तंभ है जिसने अपना काम बखूबी निभाया, जिससे आम जनता को फायदा हुआ, और सरकार को सबक सीखना चाहिए कि तुम्हारी ड्यूटी मीडिया निभा रहा है। और मैं तो फिर दोबारा से मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। स्कूल में कुछ कमियां हैं, आप कैसे आवाज उठाएंगे उसके? उन कमियों के लिए मैंने ऑलरेडी आवाज उठाई हुई है, उस पर भी जल्दी से जल्द कार्रवाई होगी।